25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज इस आपातकाल को 49 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल के 49 साल पूरे होने पर आज भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से पूंछ जिला दफ्तर में भाजपा जिला प्रधान राजेश कुमार, DDC मेंबर सुरनकोट सोहिल मलिक ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। 1970 तक 2 साल कोई भी यहाँ न्यूज़पेपर में कोई भी जो चीज है वो कैरी करने की या पब्लिश करने की कोई आजादी नहीं थी, वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो इस किस्म की जो जारहाना, इस किस्म की जो डिक्टेटरशिप, मैं ये कहूंगा कि ऑटोक्रेटिक जो एक रूल आप कह दीजिए जिसमें वन मैन शो जिसको हम कहते हैं, तो उस किस्म की एक सिचुएशन बना के इन्होंने इस वक्त कंट्री में रखी। और 1975 से लेकर 1970 तक 2 साल जो है वो काफी लोगों की डेथ्स हुई, काफी लोग जो थे वो बगैर किसी कोई वकील, कोई अपील और कोई दलील के बगैर जो है वो जेलों में डाले गए। काफी जो मुल्क हैं इस दुनिया में इमरजेंसी लगती है, बट इमरजेंसी के लगाने के कुछ कारण हुआ करते हैं, या तो एक्सटर्नल थ्रेट या इंटरनल रिबेलियन या इकोनॉमिक शटरिंग, इस तरह के मिलते जुलते कारण हों